हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन ऑफ रिजिड बॉडी सो लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन यहाँ पर हमने एक फोर बार चेन ए बी सी डी को कंसीडर किया है जिसमें ए डी ये हमें गिवन है कि ये फिक्स्ड है इसकी लेंथ हमें 120 एंड ट्वेंटी एम दे रखी है क्रैंक ए बी इज थर्टी एम एम लॉन्ग एंड इट इज रोटेटिंग विद हंड्रेड आर पर सेकेंड इन द्लॉक वाइज डायरेक्शन लिंक सी डी सिक्सटी uh, मिलीमीटर्स mm, ये ऑसिलेट कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट बी अब बी सी और ए डी दोनों सेम लेंथ के हैं हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है लिंक सी डी की वेन एंगल बी ए डी सिक्सटी डिग्री तो uh, यहां पर जो है हमें एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है हंड्रेड आरपीएम अगेन वी विल कन्वर्टेड टू रेडियस पर सेकेंड So 2 pi into the rpms divided by 60, इससे हमें ये radians per second मिल जाएगा। जितने भी हमें डायमेंशन दे रखे हैं मिलीमीटर mm में उसको हम एस आई यूनिट में यानी कि मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और हमें लिंक ए बी की एंगुलर वेलासिटी भी गिवन है इसलिए हम इसकी लीनर वेलासिटी वी बी ए को भी कैलकुलेट कर लेंगे विच इज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा तो ओमेगा हमने ऑलरेडी रेडियंस पर सेकेंड में कैल्कुलेट कर लिया हमें लिंक का लेंथ दे रखा है सो सब्सिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज वी गेट वी बी ए टू बी दिस यहां पर डायग्राम पे हमें वी बी ए जिस एंगल पे दिखाया है दिस एंगल इज परपेंडिकुलर दिस लाइन वी बी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी ठीक है तो लिंक से परपेंडिकुलर हमेशा हमारी लीनर वेलोसिटी एक्ट करेगी देन मूविंग फर्दर इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे क्योंकि ए और डी ये पूरा का पूरा प्लेन हमारा फिक्स्ड है इसलिए ए डी को हम एक ही पॉइंट मान सकते हैं लाइक दिस दिस इज शोन इन वेलोसिटी डायग्राम उसके बाद हमें ए ए वी वी बी को ड्रॉ करना है वी बी ए को ड्रॉ करने के लिए अज्यूम अ अटल लाइन है और हॉरिजोंटल लाइन से जो एंगल यहां पर है वही एंगल हम इस पॉइंट ए से ड्रॉ करेंगे एक सुटेबल स्केल लेंगे कि सेंटीमीटर इज इक्वल टू सो मच ऑफ मीटर पर सेकेंड और उस स्केल से लेकर हम वी बी ए का लेंथ इस वेक्टर का ड्रॉ करेंगे इन द सेम वे हमने पॉइंट सी को कंसिडर करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो दिया है हमें एंगुलर वेलोसिटी लेंथ सी डी की निकालनी है इसलिए हम पॉइंट सी को कंसिडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी सी डी uh, की जो वेलोसिटी uh, है वी सी डी दिस विल एक्ट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन सी डी और फिर से हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अज्यूम करेंगे इस परपेंडिकुलर लाइन का एंगल उस हॉरिजॉन्टल लाइन से देखेंगे एंड वी विल ड्रॉ अनदर लाइन हेयर रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी सॉरी दिस वन ओके सो वी सी डी हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे लास्ट में ट्राइंगल के हमारा ये लास्ट आर्म जो है उसको हम ज्वाइंट कर देंगे पॉइंट बी और पॉइंट सी को हम कनेक्ट कर देंगे तो हमें वीसीबी मिल जाएगा नाउ आप यहां से वीसीडी इसको मेजर कर लीजिए ठीक है और जितने भी सेंटीमीटर्स आता है तो जो हमने स्केल लिया था दैट वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू सो मच ऑफ मीटर पर सेकेंड उसको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर्स को मीटर पर सेकेंड में ले आइए सो यू विल फाइंड की वी सी डी की जो वैल्यू है वो पॉइंट टू फोर मीटर पर सेकेंड आएगी उसके बाद हमें सी डी का लेंथ गिवन है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा की हेल्प से हम ओमेगा को कैल्कुलेट कर लेंगे सो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर आर है हमारा यहाँ पर सी डी एंड दिस मच रेडियंस पर सेकेंड ये हमारा आंसर आना चाहिए ओके सो आई होप यू हैटिकुलर क्वेश्चन In case of any doubt, you can mention it in the comment box. And don't forget to subscribe my channel for regular updates. Thank you and happy learning.